कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। साथ ही उनके शहादत दिवस पर जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री तथा मास्क का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे, परंतु 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी का सहयोग देने के लिए 1981 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश लिया। आज स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न प्राप्त किए हुए उनकी 30वीं पुण्यतिथि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में गरीबों के बीच सूखा अनाज का वितरण, मार्च का वितरण हम लोग समुचित रूप से कर रहे हैं। पूरे प्रखंड पंचायत से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब लगे हुए हैं और ये कार्यक्रम 30वीं पुण्यतिथि पर हम लोग कर रहे हैं। वहीं उपस्थित पूर्व अध्यक्ष जवाहरलाल सिन्हा ने कहा कि राजीव गांधी देश की एकता तथा अखंडता के लिए शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 30वीं शहादत दिवस है, जिन्होंने अपने प्राण को इस देश की एकता और अखंडता के लिए निछावर कर दिया। इस अवसर पर हम जिला कांग्रेस कमेटी के साथी पूरे प्रखंडों में मास्क और अनाज का वितरण कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से भी अभी वितरण हुआ है और अभी और बांटा जाएगा और डोर टू डोर भी बांटा जाएगा और मास्क जो है हम लोग उसको व्यापक रूप से हर आदमी को उपलब्ध कराने का कोशिश कर रहे हैं। लोगों से भी हम लोग की अपील है कि जरूरत हो तो घर से निकलिए और सावधानी रखिए। यही आज राजीव जी के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर कर्जा, 1 रुपया में माफ करा ली।